लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मर्चेंट नेवी में बड़ी नौकरी दिलाने के नाम पर 200 से अधिक युवाओं के साथ ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवाओं ने ऑल इंडिया सी फेयरर और जनरल कामगार यूनियन की मदद से आज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की। सभी कंपनियां नवम्बई में अलग अलग ठिकानों पर कुछ दिनों के लिए ऑफिस चलाकर धोखाधड़ी को अंजाम देती रही हैं। इन पर 20 करोड़ से अधिक की ठगी का आरोप है। शिपिंग यूनियन के नवम्बई जिला अध्यक्ष सविनय मात्रे और संजय पवार ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और बड़े रैकेट का संकेत देता है। यदि पुलिस ने इस पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे पीड़ित युवाओं को साथ लेकर न्याय दिलाने के लिए तीव्र आंदोलन करेंगे। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रही है नौजवान नवम्बई की चार फर्जी शिपिंग कंपनियों की धोखाधड़ी के शिकार हैं। आरोप है कि नवम्बई की ट्राइवे नेविगेशन मरीन, सीमेन शिप मैनेजमेंट, नेविको शिपिंग और ट्रांसम शिप मैनेजमेंट नामक कंपनियों ने इन्हें मर्चेंट नेवी में बड़ी नौकरी दिलाने का वादा किया था। जॉब के लिए चंद्रिका प्रसाद के अकाउंट में 2 से 3 लाख रुपये भी जमा कराए, लेकिन वीजा और टिकट फर्जी थमा कर खुद फरार हो गए। फिलहाल मनसे शिपिंग यूनियन ने इन्हें मदद करते हुए नेरुल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। शिपिंग यूनियन और ऑल इंडिया सी फेयरर और जनरल वर्कर्स यूनियन के जिलाध्यक्ष सविनय महात्रे और संजय पवार ने कहा कि इन फर्जी कंपनियों ने हजारों युवाओं से 20 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की है। युवाओं का पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज भी नहीं लौटाए, इसलिए ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने इस पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे पीड़ित युवाओं को न्याय दिलाने के लिए तीव्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हमारे ऑफिस में ये शेखर सोलकर जैसे 7-8 लड़के लोग आए थे। उन्होंने एक ट्राइवे शिपिंग करके नेरूर में जो हावरे मॉल सेंचुरियन मॉल स्थित जो कंपनी है वहाँ पर इन लोग से सब लोग से किसी से 2 लाख 1.5 लाख ऐसा पैसा लेके उनको शिपिंग में जॉब प्लेसमेंट देंगे ऐसा बोल के उनको फेक वीज़ा दे के फेक एयर टिकट दे के उनको उनसे पैसा ऐठा गया है। पर ऑफिस में गए, ऑफिस सब पूरा बंद है। तो उसके बाद और 7-8 दिन हम लोग ने नेरुल पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की उसके बारे में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जो अकाउंट नंबर था चंद्रिका प्रसाद वो और ये ट्राइवे शिपिंग और ट्रांसम शिपिंग और नेवी ऐसे 4-5 कंपनी का एक ही अकाउंट नंबर था चंद्रिका प्रसाद के नाम से। तो हमें ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। हम लोग ने इसका खोज चालू की लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। तो हम लोग ने सीपी ऑफिस में भी एक कंप्लेंट दर्ज की लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो इनके ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल सीडीसी भी इन लोग के पास है। अगर उनके पासपोर्ट सीडीसी नहीं मिलेंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे? पुलिस सहायता करे, वरना हम लोग इसके बारे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और सब शिपिंग यूनियन हम लोग आंदोलन, तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे और इसकी जिम्मेदारी फिर प्रशासन की होगी। को जॉब देंगे, बाद में उनको फेक टिकट्स दिया जाता है, फेक वीज़ा भेजा जाता है और ऑनलाइन और बाद में ऑफलाइन ऐसे कि कैश में भी पैसे लिए जाते हैं लड़कों से। और ये कोई बहुत बड़ा रैकेट है। हम लोग नेरुल पुलिस स्टेशन इसके लिए आए, हम सब 2-3 यूनियन मिल के यहाँ पर आए हैं कि उसका जो एक गुर्गा है उसको हमारे जो सहयोगी यूनियन है उन्होंने पकड़ा और वही अभी उसके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है। हम प्रशासन से इस मामले में दरखास्त करते हैं कि इस मामले में हमको बहुत अच्छी सहायता मिले और लड़कों को न्याय मिले, हमारी यही दरखास्त है। और लड़के जो अलग अलग राज्यों से है वो बहुत ही हताश है। उनके रहने के प्रॉब्लम्स है यहाँ पे और खाने के तक के प्रॉब्लम्स है, जो मतलब लूट तो गए ही है, प्लस उनका खाना पीना भी उनका मतलब मोहताज हो गया, मतलब पैसे दे के वो फंस चुके हैं। अब जरा फर्जी कंपनियों के जरिए धांधली करने वालों का कारनामा देख लीजिए। ये उस चंद्रिका प्रसाद के दस्तावेज हैं जिसका अकाउंट में पैसे जमा कराए गए। अब सीमेंस वर्कर को मर्चेंट नेवी में जॉब दिलाने के लिए भेजे गए इस वीजा और कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर भी गौर कर लीजिए, सब के सब फर्जी निकले हैं। यही नहीं, विदेश भेजने के लिए दी गई एयर टिकट भी नकली साबित हुई है। जाहिर है यह सब बड़े रैकेट का संकेत देता है जो नवम्बई में चल रहा है।
पीड़ित युवाओं ने कहा कि ऐसे हजारों युवा हैं जो इनके फर्जीवाड़े में फंसकर अपना लाखों रुपए और करियर बर्बाद कर चुके हैं। फिलहाल पीड़ित युवाओं को उम्मीद है कि यूनियन की मदद से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। शिपिंग लाइन के लिए हम लोग काम करते हैं, सीमेन है, तो हम लोग को बोला है ऐसा काम पे चारा देगा, कुछ पैसा और डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किया, हम लोग बहुत आदमी है, जैसे 40-50 लोग हैं, तो सब लोग पैसा दे दिया, 1.5 लाख कोई 2 लाख ऐसा करके पैसा दिया है, और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी दिया है। फिर उसके बाद वो टिकट वीज़ा सब कुछ दिया है, लेकिन बाद में पता चला ये सब कुछ फेक है। और वो लोग मतलब जिधर उसका ऑफिस था वो ऑफिस में कोई मतलब ताला ठोक के पूरा भाग गया। यूनियन वाला हम लोग के लिए बहुत कर रहे हैं, और मैं हर किसी से यही बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी इस लाइन पे है कोई भी मतलब बिना आरपीएसएल के बिना ना जाए, जो भी ऑफिस है आरपीएसएल वाला ही ऑफिस होना चाहिए। ऑल इंडियन सीपरर्स एंड जनरल वर्कर यूनियन, उसको भी मतलब प्रेसिडेंट को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये केस को बहुत आगे तक लेके गया है। मैंने 1 लाख भरा था, और बाकी मेरे साथ कई सारे बंदे जो दिख रहे हो सब ने पैसा भरा था, कई ने 2 लाख 3 लाख ऐसे पैसे भर के सब लोग फंस गए उसमें। कि हम लोग इसके पीछे 2 महीने से हम लोग ढूंढ रहे हैं, उनसे फॉलोअप ले रहे हैं, लेकिन कोई हम लोगों को सहायता नहीं कर रहा है। बस यूनियन शिपिंग यूनियन के सर है मात्र सर, वही बस थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, हाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम लोगों का, लेकिन पुलिस की तरफ से हमारे लिए कोई अभी तक मदद का ऐसा आश्वासन नहीं आया कि तुम लोगों का हाँ पक्का हो जाएगा, हम लोग FIR दर्ज करेंगे, अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।